सरदार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो आज बात लोकसभा की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज सरकार पर चुन चुनकर हमले बोले। अपने अंदाज में राहुल ने इस बार बजट पर बोलते हुए हलवा सेरेमनी के साथ साथ चक्रव्यूह का भी जिक्र किया। 45 मिनट के भाषण में राहुल गांधी ने आक्रामकता के साथ साथ दलितों, पिछड़ों, किसानों, मिडिल क्लास, बेरोजगार युवाओं सबकी बात की। पिछली बार की तरह हिंसा और डर का खूब उन्होंने जिक्र किया। इक्कीसवीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है, तो वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लग के लगा के चलते। नहीं नहीं सर, बोल ही दीजिए। जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था वही हिंदुस्तान के साथ किया गया। आपने टीवी ऑफ कर दिया सर? नो नो, टीवी कोई ऑफ नहीं है सर। जब भी मैं उसको हटाना चाहता हूँ मुझे ये करना है सर। वो लोकसभा में आज राहुल खूब गरजे, सरकार पर खूब हमले किए और एक एक कर कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। वे इस बार बजट को केंद्रित करते हुए चक्रव्यूह और अभिमन्यु तक ले गए। करीब 45 मिनट के भाषण में राहुल गांधी ने जब हलवा सेरेमनी का पोस्टर लहराया तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना सिर पकड़ लिया। राहुल ने इसके साथ ही मिडिल क्लास का जिक्र किया और कहा कि आपने मिडिल क्लास की छाती में छुरा और पीठ में खंजर भोंका है। सर मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबा कर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजाई। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में। राहुल गांधी जाति जनगणना पर भी आए और कहा कि आपने ये जो चक्रव्यूह बना रखा है उसे हम तोड़ने जा रहे हैं और हम इस हाउस में जाति जनगणना पास करेंगे। और बढ़ता किसको है? वही 2-3% में। और बाकी हिंदुस्तान 90% हिंदुस्तान देख, फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही है। कमाल की बात है, ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है, ये जाति जनगणना है, इससे देश बदल जाएगा। इसके अलावा राहुल गांधी ने मोची और बढ़ई से हुई बात का जिक्र अपने भाषण में किया। हालांकि उनके इस भाषण के दौरान लोकसभा स्पीकर ने उन्हें 4 बार टोका। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से भी उनकी नोकझोंक देखी गई। वहीं अग्निवीर मामले को लेकर भी राहुल गांधी ने अपने भाषण में जिक्र किया और कहा कि अग्निवीर के परिवार को केवल इंश्योरेंस का पैसा दिया गया था, आर्थिक सहायता नहीं दी गई। जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस मामले पर सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं, जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। कुल मिलाकर राहुल गांधी का ठीक वैसा ही अंदाज एक बार फिर से देखने को मिला जैसा सदी में से पहले एक आहूत संसद सत्र के दौरान दिखाया था। अब देखना होगा कि राहुल की शेप में हम लोग का जवाब सरकार कैसे देगी। ब्यूरो रिपोर्ट। और इधर राहुल के बयान पर सुधांशु त्रिवेदी ने निशाना साधा। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे शायद वित्त राज्य मंत्री उन्हें दिखाई नहीं पड़े, मगर मैं पूछना चाहता हूं, ये वो लोग पूछ रहे हैं सभापति महोदय जो 60 साल से खाते रहे हलवा और जनता को खिलाते रहे बलुआ। मैं पूछना चाहता हूं महोदय ओबीसी की बात करने वालों से कि 53 में काका कालेलकर कमेटी बनी, 55 में रिपोर्ट आई और 55 से 77 तक 22 साल ओबीसी खाता रहा बलुआ और ये खाते रहे हलवा। 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, इंदिरा जी और राजीव जी की सरकारें आई, 10 साल तक ओबीसी खाता रहा बलुआ और ये खाते रहे हलवा। जिन्होंने चार चार पीढ़ियों तक खाया है हलवा वो आज हमसे आके पूछ रहे हैं। वो तो मोदी जी जब आए तो ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिला, अन्यथा मैं हलवा और बलुआ वालों से पूछना चाहता हूं, बताएं 2014 में इनकी कैबिनेट में कितने ओबीसी मिनिस्टर थे।
बात करेंगे दिल्ली की, जहां हादसे के नाम पर तीन होनहारों की हत्या कर दी गई। सड़ चुके सिस्टम ने ऐसे तीन बच्चों की जान ले ली जो बेहतर भविष्य का सपना संजोए देश की राजधानी दिल्ली में आए थे। वो दिल्ली जो देश की उम्मीदों का केंद्र है, वो दिल्ली जहां के लोग देश के दूसरे हिस्सों में आकर गर्व के साथ कहते हैं कि वो देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं। अब उस दिल्ली के दामन पर तीन बेगुनाहों की मौत एक धब्बा है। हर बार की तरह इस मामले में भी हादसे के बाद प्रशासन की नींद खुली है और अब एक्शन के नाम पर दिखावा शुरू हो चुका है। लेकिन हैरानी यह है कि अब भी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। दिल्ली में मौत के कोचिंग सेंटर पर हंगामा जारी है, लेकिन जिम्मेदारी पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सवाल ये है कि जिन तीन छात्रों की कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से मौत हुई, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है और आगे ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए इस घटना से क्या सबक लिया जाएगा। लेकिन इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में गटर में डूब चुके सिस्टम की वजह से तीन छात्रों की मौत हो चुकी है और इस घटना पर हो रही है सिर्फ सियासत। दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने आज आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चूड़ियां दिखाकर और थाली बजाकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी का बहुमत है, मेयर भी आपका ही है। ये घटना एमसीडी की लापरवाही के कारण हुई है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने एलजी सचिवालय के बाहर बीजेपी और एमसीडी कमिश्नर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि एमसीडी कमिश्नर की नियुक्ति गृह मंत्रालय करता है। कमिश्नर की लापरवाही के कारण जलभराव हुआ है और स्टूडेंट्स की मौत हुई है। बीजेपी छात्रों की मौत के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी एलजी पर आरोप लगा रही है कि एलजी दिल्ली सरकार को काम नहीं करने देते, जिसकी वजह से दिल्ली की यह हालत हुई है। ये हादसा नहीं है, ये हत्या है। ये भ्रष्टाचार की वजह से ये हत्या हुई है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने अगर भ्रष्टाचार ना करते हुए सिल साफ किए होते तो शायद ये हत्या ना हुई होती। मुख्य सचिव को बोल रहे हैं वो कार्रवाई नहीं कर रहे, पीडब्ल्यूडी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कह रहे हैं वो कार्रवाई नहीं कर रहे, सबूत दे दिए वो कार्रवाई नहीं कर रहे। उधर कोचिंग सेंटर के बाहर छात्र भी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिनसे मिलने खुद दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना पहुंचे। एलजी ने छात्रों का भरोसा दिया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोचिंग हैज बिकम वर्चुअली कॉमर्स। एवरी टाइम वी रीड अ न्यूज़पेपर, फ्रंट वन और टू पेजेस आर बाय वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स। In a country where opportunities, कि ये अपने आप में एक लापरवाही नहीं बल्कि ये एक प्रकार का एक आपराधिक कृत्य है, एक प्रकार की क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, जिसमें जानते बूझते बच्चों को उस हद तक उनके जीवन को खतरे में डालने के तक ले जाया गया। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसी देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है, नंबर एक। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? कोचिंगों के अंदर ये बेसमेंट में आज एक दिन नहीं हुआ मान्यवर जहां पे वहां पे कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं या लाइब्रेरी चल रही है। ये कोचिंग क्लासेस और लाइब्रेरी 20-25 साल से चल रहे हैं और उस समय एमसीडी में 15 वर्षों से सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी की का शासन था। क्या किया आपने उस समय? हादसे में अब आरोपियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। एमसीडी ने एक जूनियर इंजीनियर को टर्मिनेट किया और एक असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। वहीं पुलिस ने मामले को लेकर आज 5 और लोगों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद अब तक इस मामले में 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। हादसे के बाद आज ओल्ड राजेंद्र नगर में बुलडोजर एक्शन भी हुआ। कोचिंग सेंटर के आसपास के अवैध निर्माण को बुलडोजर से तोड़ा गया। साथ ही दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बेसमेंट में चल रहे 13 कोचिंग सेंटर्स को सील किया गया। लेकिन सवाल वही है, क्या ये पहले नहीं हो सकता था? काश पहले सावधानी बरती जाती तो इन तीन छात्रों की जान नहीं जाती। और दिल्ली के राउस आईएएस कोचिंग सेंटर में तीन छात्रों की मौत हादसा नहीं हत्या है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि
एक एक करके कई ऐसे सबूत सामने आ रहे हैं जिससे पता चलता है कि इस मामले में जानबूझकर लापरवाही बढ़ती गई। प्रशासन ने समय रहते अवैध रूप से चल रहे इस तरह के कोचिंग सेंटर्स का कोई एक्शन इन पर क्यों नहीं लिया? नतीजा क्या हुआ? यूपीएससी की तैयारी कर रहे तीन होनहारों की जान चली गई। कोचिंग के गटर में डूबा कौन? गटर वाली लाइब्रेरी से बचा कौन? दिल्ली में मौत के कितने तहखाने? अब ये सब सिर्फ एक नंबर है। गटर वाली लाइब्रेरी में फंसकर मरा कौन? परिवार ने किसे खोया? देश ने किसे खोया? अब ये सब सिर्फ वो नंबर लिस्ट हैं जिन्होंने सिस्टम की लापरवाही में डूबकर जान दे दी। यानी कल तक जिनके पास जीतने के लिए पूरा अंबार था, वो अब सिर्फ एक नंबर है। वहरे सिस्टम, वहरे सरकार, वहरे कारोबार, तुम सब ने मिलकर फिर कुछ नंबर बढ़ा दिए। जो हादसा आसानी से टल सकता था, उस पर धृतराष्ट्र बनकर बैठ गए। जिस कोचिंग सेंटर में कोचिंग सेंटर के नाम पर अंडरग्राउंड डेट चैम्बर बना हुआ था, उसके खिलाफ 26 जून को ही शिकायत हुई थी। करोलबाग के किशोर ने दिल्ली सरकार को लिखकर बताया था कि यहां बिना एनओसी कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा है, लेकिन विभाग के धृतराष्ट्र शिकायत पर काली पट्टी बांधकर बैठे रहे। शिकायत पर दो महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो किशोर कुशवाहा ने फिर रिमाइंडर भेजा, फिर कहा कि बहुत गंभीर मामला है और इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। लेकिन ये शिकायत भी गले तक गटर में डूबे दिल्ली के सिस्टम की आंखों में भी लापरवाही का कीचड़ साफ नहीं कर पाई। मैंने 26 जून 2024 को बेसमेंट राव आईएएस की कंप्लेंट की थी। इस संबंध में पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को बताया था कि कैसे ओल्ड राजन नगर एवं साउथ पटेल नगर में और पूरे पटेल नगर में लाइब्रेरियां और कोचिंग बेसमेंट में संचालित होते हैं। और स्पेशली मैंने राव आईएएस की बेसमेंट की कंप्लेंट की थी क्योंकि उसमें दुर्घटना होने की संभावना लग रही थी। किशोर ने अपनी शिकायत में साफ लिखा था कि बेसमेंट में पार्किंग की जगह कोचिंग चलना भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण है, लेकिन दिल्ली के भ्रष्टाचार का सिस्टम इतना मजबूत था कि उनकी शिकायत ही दब गई। और अब उनकी शिकायत पर चर्चा तब हो रही है जब तान्या, श्रेया और नवीन इस बदबूदार सिस्टम की भेंट चढ़ चुके हैं। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में पानी भरने से दो छात्राओं और एक छात्र की मौत हो गई और इस घटना के बाद हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अब इस हादसे के बाद मध्य प्रदेश सरकार भी अलर्ट हो गई है। प्रदेश में भी कोचिंग संस्थानों पर चेकिंग अभियान शुरू होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। साथ ही सभी जिलों के कलेक्टर्स 24 घंटे के भीतर इनसे जवाब भी मांगा गया है ताकि दिल्ली जैसी घटना एमपी में ना हो। दिल्ली में हादसा, एमपी में अलर्ट, एक्शन में सीएम, कलेक्टर से मांगी रिपोर्ट। दिल्ली में कोचिंग हादसे को लेकर एमपी सरकार अलर्ट पर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और सभी जिलों के कलेक्टर से 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट मांगी है। लेकिन ऐसे में कोई जनहानि नहीं हो, कोई घटना नहीं घटे और दिल्ली में जैसे बेसमेंट के अंदर की घटना हुई है उसको भी सबक लेते हुए अपने प्रदेश के अंदर भी सभी जिला कलेक्टर, सभी एसपी और हमारी एनडीआरएफ की टीम और बाकी लोगों को तालमेल कराने के लिए निर्देश जारी कर दिए है कि हर हालत में वर्षा काल में वर्षा होना अच्छी बात है, लेकिन हमारी लापरवाही से कोई घटना नहीं होना चाहिए, इसकी पूरी चिंता करने की जवाबदारी है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश का पानी भर गया था जिसमें आईएएस की तैयारी कर रहे तीन छात्रों की मौत हो गई थी, जिसके बाद दिल्ली में भी एमसीडी ने कार्रवाई की और हादसे वाले कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर की कार्रवाई की। वहीं 13 अवैध कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया है।
वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद अब एमपी में कोचिंग संस्थानों की जांच होगी, तो वहीं प्रदेश भर में बिल्डिंग्स के बेसमेंट में क्या क्या संचालन हो रहा है, इसके साथ ही बेसमेंट में जल निकासी समेत अन्य व्यवस्थाओं की भी जाँच होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। यूपी की सियासत में इस वक्त एक चर्चा जोर पकड़ रही है और वो ये है कि क्या अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर अपने चाचा शिवपाल यादव को साइडलाइन कर दिया। सवाल क्यों और किस लिए उठ रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं और दिखाते हैं। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव से पहले जो फॉर्मूला दिया था, जिस फॉर्मूले के दम पर उन्होंने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को साधने की नाकाम कोशिश की, अब उस फॉर्मूले में अगड़ा यानी सवर्ण को एड ऑन किया गया है। पी यानी पिछड़ा, डी यानी दलित और ए यानी अल्पसंख्यक के साथ अगड़ा। अब अखिलेश के इसी फॉर्मूले पर मानसून सत्र के पहले दिन संग्राम छिड़ चुका है। केशव प्रसाद मौर्य बनाम शिवपाल के बीच एक बार फिर लड़ाई शुरू हो चुकी है। जी का व्यक्तिगत तौर से बहुत सम्मान करते हैं, वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उनको बधाई भी देते हैं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का असली चेहरा सामने आ अभी जो फीडबैक आ रहे हैं उसमें जो तथाकथित पीडीए के नाम पर गुमराह करके लोकसभा चुनाव में वोट लिए हैं, उस वर्ग से आने वाले नेता बहुत मायूस हैं। बड़े सपने संजोए हुए थे, चाचा भी सपने संजोए हुए थे और जो वरिष्ठ नेता थे ओबीसी एससी वर्ग के, वह भी बहुत इच्छा मन में लेकर के बैठे हुए थे, लेकिन अखिलेश यादव जी ने पीठ में छुरा भोंक दिया। परवोले मंत्री हैं, उनके पास कोई काम तो है नहीं, ये केवल लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ और अपना विभाग में कुछ चला तो पा नहीं रहा, और मुख्यमंत्री ने खुद ही उनको झुंझुना पकड़ा दिया है, कोई काम के तो नहीं। बात उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति की हो रही है तो मायावती ने भी लगे हाथ अखिलेश यादव के ब्राह्मण कार्ड पर निशाना साधा और माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाने पर तीखा हमला कर दिया। मायावती ने लिखा, पीडीए को गुमराह करके वोट लिया गया, नेता प्रतिपक्ष बनाने में पीडीए की उपेक्षा की गई, एसपी में एक विशेष जाति को जगह दी गई, समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण की उपेक्षा की गई। यानी जिस माता प्रसाद पांडे को अखिलेश यादव ने खास रणनीति के साथ अपना उत्तराधिकारी बनाया, अब वही माता प्रसाद पांडे पक्ष के साथ विपक्ष के भी निशाने पर हैं। हालांकि एक दिन पहले ही वो इस सियासी संभावनाओं पर सफाई दे चुके हैं। अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय, पार्टी का तो एजेंडा पीडीए ही है और उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आपको लगता है क्षेत्र का संतुलन भी देखा गया, आप हो गए वर्मा जी, हो गए प्रतापगढ़ से, दो लोग पश्चिम से हो गए अमरोहा मुरादाबाद से, क्षेत्र और जाति का संतुलन रखा गया इस फैसले में? अब ये अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है, उसके बारे में हम क्या बताएं। खैर, बात समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले की है, पिछड़ा, दलित और अगड़ों की है, ऐसे में अखिलेश यादव का ब्राह्मण कार्ड सुर्खियां बटोर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या आगामी उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने यह फैसला लिया, क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए शिवपाल यादव को किनारे किया गया, जैसा कि केशव मौर्य का आरोप है। अब इन सवालों के जवाब समाजवादी पार्टी से मांगे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इधर इंदौर में कांग्रेस दफ्तर में बीजेपी नेताओं के स्वागत पर पार्टी ने बड़ा एक्शन ले लिया है। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को पार्टी से बाहर कर दिया गया। इससे पहले इन दोनों नेताओं को कांग्रेस ने कारण बताओ नोटिस भी थमा दिया था। अब इन दोनों नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वही कांग्रेस की इस कार्रवाई पर बीजेपी ने तंज कसा है। स्वागत पर एक्शन, कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई, शहर और जिला अध्यक्ष सस्पेंड, कैलाश विजय वर्गीय का किया था स्वागत।
इंदौर के कांग्रेस दफ्तर में बीजेपी नेताओं के स्वागत पर कांग्रेस बिफर गई है। स्वागत करने वाले कांग्रेस के जिला और शहर अध्यक्ष पर पार्टी ने एक्शन लिया है और दोनों को कारण बताओ नोटिस के बाद सस्पेंड कर दिया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मुताबिक दोनों नेताओं पर पार्टी ने सोचकर कार्रवाई की है। आखिर कांग्रेस दफ्तर में बीजेपी नेताओं के स्वागत करने की क्या जरूरत थी? इन्हें नोटिस दिया गया था और नोटिस अवधि में इनको निलंबित कर दिया गया है। जब इनका जवाब आ जाएगा तब आगे कार्रवाई के बारे में सोचा जाएगा। जो जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की उनको अपने कार्यालय में बुला के सौजन्यता की क्या आवश्यकता है? वहीं इस मामले में बारिश के मौसम में एमपी की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के निलंबन की कार्रवाई पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि ये जीतू पटवारी का खेला है, सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए विषय बदलने की कोशिश की गई है। इंदौर में 51 लाख पौधे लगाने के अभियान के तहत बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय 12 जुलाई को इंदौर स्थित कांग्रेस कार्यालय इंदिरा भवन पहुंचे थे। यहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया था। उनके लिए गुलदस्ते से गुलाब जामुन तक लाए गए थे। दरअसल कांग्रेस के शहर अध्यक्ष सुरजीत चड्ढा ने गुलदस्ते देकर कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत किया था और गले भी लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और चलिए आगे बढ़ते हैं, राजधानी भोपाल का जिक्र कर लेते हैं। यहां पर फिर से टाइगर का मूवमेंट देखा गया है। सोशल मीडिया पर अब वीडियो वायरल हो रहा है, झाड़ियों के बीच से बाघ गुजरता हुआ देखा गया है। कार में बैठकर चालक ने यह वीडियो बनाया। बता दें कलियासोत डैम के नजदीक निजी स्कूल के पास ये बाघ का मूवमेंट देखा गया और जो वहां से गुजर रहा था गाड़ी में उसने अपने कैमरा में ये तस्वीर कैद की। तो कलियासोत डैम के पास पहले भी कई बार बाघ की मूवमेंट नजर आई है और इसके बाद लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया। और कभी कभी ऐसा भी हुआ कि किसी परिसर में बाघ पहुंच गया और एक बार फिर से वही तस्वीर देखने को मिली है कलियासोत डैम के पास। इस मद्देनजर लोगों को फिर से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। कलियासोत का इलाका जहां पर कई सारे लोग चूंकि रहते भी आसपास ग्रामीण क्षेत्र भी है और लोग कहीं ना कहीं डर के साए में भी हमेशा ही रहते हैं कि कहीं उन पर हमला ना हो जाए। वासु चौरे न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, ये चिंता का सबब भी है आसपास रहने वाले जो कॉलोनियां बसी हुई हैं वहां पर कलियासोत के आसपास कई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस भी चल रहे हैं। वासु बिल्कुल, देखिए सीएम आज सुबह ही इस बात का जिक्र कर रहे थे प्रशांत की भोपाल अपने आप में एक अद्भुत राजधानी है जहां पर टाइगर से जो टाइगर है वो नगर निगम की सीमा के अंदर भी कई बार देखा जाता है और ऐसी जो भोपाल में इस तरीके की जो टाइगर के मूवमेंट की जो खबरें जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही है। थोड़ी सी बात चिंताजनक जरूर है क्योंकि शहरी इलाका है, रहवासी इलाका वहां पर लगा हुआ है, स्कूल कॉलेजेस जैसे जो इंस्टीट्यूट है वो आसपास है तो जाहिर तौर पर वहां पे बड़े पैमाने पर बच्चों का यूथ का जो मूवमेंट है वो भी होता है और ऐसे में थोड़ी सी भी लापरवाही कभी एक बड़ा हादसा भी बन सकती है। लेकिन जो भोपाल के आसपास टाइगर है अभी तक अच्छी बात यह है कि कोई बहुत ज्यादा घटनाएं यहाँ पर नहीं हुई है कि किसी इंसान को या किसी बच्चे को नुकसान पहुंचाया हुआ। हालांकि जानवरों के शिकार की कुछ बातें जरूर सामने आई है लेकिन वन विभाग जब भी ऐसी घटनाएं होती है तो टाइगर के मूवमेंट को ट्रेस करने की कोशिश करता है और कोशिश ये होती है कि जल्दी बाघ को अपनी टेरिटरी के अंदर वापस भेज दिया जाए ताकि वो रहवासी इलाके के ज्यादा नजदीक ना आए। जी बिल्कुल वासु, तो वर्ल्ड टाइगर डे पर बाघ ने अपनी मौजूदगी भोपाल में भी दर्ज करा दी। निश्चित तौर पर प्रशांत, देखिए बाघ लगातार 2-3 दिनों से अलग अलग जगहों पर जो भोपाल के आसपास के इलाके वहां पे बाघ का मूवमेंट दिखाई दे रहा है और आज चूंकि टाइगर डे भी है तो दिन भर से बाघ को लेकर काफी चर्चाएं चल भी रही थी और अच्छी बात यह है कि बाघ अब अमूमन ज्यादा नजर आने लगे तो ये प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता की ओर भी। चलिए शुक्रिया वासु आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। और इसी के साथ ही खबर असरदार में आज के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 के साथ।